हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदाशिव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो ये जो श्लोक है श्री आदि पुराण से जो श्री प्रभुपाद जी चैतन्य चैतन्य में कोट करे हैं, जो बहुत ही सुंदर श्लोक है, तो उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें कहते हैं यो मे भक्ता जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जनः मद्भक्तानां च ये भक्तास्ते मे भक्ता तमामतः भक्ता तमामतः। इसमें क्या कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यो मे भक्ता जना पार्थ। ये पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति को लगता है वो मेरा भक्त है, यो मैं भक्ता जना पार्थ, जो कहते मैं भगवान के भक्त हूँ, न मैं भक्तश्च ते जना, अरे वो तो मेरे भक्त नहीं है, कौन आपका भक्त है, मद भक्ता नाम च ये भक्ता, जो मेरे भक्त की भक्त है, ते मैं भक्ता तमामता, वो ही मेरे एडवांस भक्त माना जाता है। तो कितना सुंदर तरीका से भगवान यहाँ अपने भक्त की महिमा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं भगवान की महिमा तब तक प्रकाश नहीं आते जब तक भक्त ना। आप सोचिए, अगर भक्त नहीं है तो भगवान को कौन जानता। आप उदाहरण लीजिए प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी अगर नहीं रहते, अगर प्रभुपाद जी प्रचार नहीं करते कृष्ण अवनम रहते, तो कोई जानता कृष्ण को बाहर में नहीं। तो अगर कोई कृष्ण की भक्त है, हाँ हो सकता है कृष्ण उनको कोई बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने के बाद कृष्ण को बहुत संतुष्ट करना पड़ेगा, और कृष्ण का संतुष्ट करना इससे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क, ऐसा एक काम है जो आप करी, मतलब उसमें आप आपको सक्सेस होगा कहने उसमें संदेह है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मुक्षेषाय मा शुचः। भगवान क्या करे, सारे प्रकार के धर्म के त्याग कर जो भगवान के शरण में आते भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते, उनके सारे कर्म फल को नष्ट कर देते। तो क्या हम समस्त प्रकार के धर्म को त्याग कर सकते हैं, सारे कुछ त्याग करके क्या भगवान के शरण में जा सकते हैं? हाँ, संपूर्ण रूप से होना इतना संभव इतना आसान भी नहीं है, जो हो सके बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान की भक्त की संग के लिए आपको ये सारे की चीजों की जरूरत नहीं है। वो आपका स्थिति क्यों कैसे कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आप भगवान की भक्त के संग में जा सकते हैं, भगवान की भक्त की भक्ति कर सकते हैं। और जब आप भगवान की भक्त की भक्ति करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, ये भक्त तम मत, मेरे मत से ये भक्ततम है, भक्त में उत्तम है। लेकिन जो कहते मैं भगवान की भक्त हूँ, जब हम बाहर जाते प्रचार के लिए तो कभी कभी लोग कहते अरे गुरुजी हम तो भगवान की डायरेक्ट भक्त हैं, हम ये करते वो करते इतना नाम जप करते ये करते, तो हम तो डायरेक्ट भगवान के भक्त हैं, तो हमको जरूरत नहीं है सारे साधु गुरु के, हम डायरेक्ट भगवान के पास जा सकते हैं। तो क्या आप अगर कोई देश के प्रेसिडेंट से मिलना चाहेंगे अगर चाहते हैं तो क्या आप डायरेक्टली मिल सकते हैं? कतई संभव नहीं है, उसके पीए के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। अगर उसका जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है उनका अगर जो पीए है वो जाकर अगर प्रेसिडेंट को बोले जो सर ये जो व्यक्ति मिलने आ रहा है वो मेरे रिश्तेदार है, मैं पहचानता हूँ उसको, थोड़ा सा मिल लीजिए इनसे, तो क्या प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने इनकार कर देंगे? लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली जाके बोले नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलना है मुझे, तो मिलना रहेगा कोई सिक्योरिटी लोग भगा लेगा। इसी तरह से जो व्यक्ति कहते हैं मैं भगवान के साक्षात भक्त हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से मेरे कनेक्शन है, वो व्यक्ति कतई भगवान के भक्त नहीं हो सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ये मैं भक्ता जना पार्थ न मैं भक्तश्च तमे जना। अरे जो खुद को कहते भक्त वो जो भक्त नहीं है, भक्त कौन है बोलते, जो मेरे भक्त के भक्त है, मतलब मेरे भक्त की शरण में जो जाते हैं भगवान कहते उसको मैं, वो भक्त भक्त में उत्तम है। तो आइए अगर हम अपना जीवन को
सार्थक बनाना चाहते, अगर आप कृष्ण की भक्ति को लाभ करना चाहते, कृष्ण की असल में भक्त बनना चाहते, तो कृष्ण की भक्त की भक्त बन जाइए। सबसे सरल तरीका है भगवान के पास जाने का। हो सकते हम अपना क्वालिटी के माध्यम से भगवान तक ना पहुंच पाए, लेकिन भगवान के भक्त की इतनी सारा गुण है, वो अगर एक बार कृष्ण से बोल दे, हे कृष्ण ये मेरे साथ हैं, कृष्ण अपन रुकेंगे उनसे मिलने के लिए? नहीं। तो इसलिए चैतन्य महापुरुष स्वयं भक्त के रूप में आए हैं, कि भगवान को पता है अगर मैं भगवान के रूप में आऊंगा लोग मेरे भक्त बनेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन इससे डायरेक्ट उनको कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगा। अगर प्रेम भक्ति चाहिए उनको, तो उनको क्या करना पड़ेगा, भक्त की संग करना पड़ेगा। और भक्त की संग करने के माध्यम से उसके अंदर भक्ति जागृत होता है। और भक्ति रवशहान चैतन्य गुसाई, भगवान से भक्त्या माम विजाना थी, भक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। और जब आप भगवान को समझेंगे तब आप भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, भगवान के साथ आप अपना संपर्क को पुनः स्थापन कर सकते हैं। तो अगर भगवान के साथ आपका पुनः संपर्क को पुनः स्थापन करना है, तो भक्ता भक्ता जना प्रिया, भगवान की भक्त हमको बनना चाहिए। नहीं कि डायरेक्टली भगवान को जंप लगा ले, हम कृष्ण भक्त है, हम कृष्ण नहीं, हमको श्रील प्रभुपाद जी की भक्त बनना है, हमारे गुरु की अच्छा एक आज्ञाकारी शिष्य बनना है। सोनकादि ऋषि श्रील सुत गोस्वामी को कहते हैं, क्योंकि आपको आपके गुरु ने ज्ञान इसलिए दिया है क्योंकि आप स्निग्ध शिष्य, आप सौम्य थे, आप बहुत सबमिसिव थे, आप बहुत हम्बल थे, स्निग्ध आप बहुत प्योर हैं हृदय से, इसलिए गुरु ने आपको तत्त्वतः अनुग्रह, तो गुरु ने आपको ऊपर अनुग्रह किया है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं। तो अगर हम जब वैष्णव से मिलते हैं, तो वैष्णव के पास जाकर हमको विनयी भाव से उनकी सेवा करना चाहिए, और उनकी वाणी को हम हृदयंगम करते हुए उनकी सेवा करना चाहिए। और जब आप इसी तरह से उनका सेवा करेंगे, तो भगवान निश्चित ही आपको कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आशा करते हैं ये श्लोक आपको अच्छा लगा, तो आप उसको याद कर सकते हैं। हरे कृष्ण।